हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑकवर्ड सुपर पावर का चैप्टर नंबर 26। तो जैसे कि तुमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो वो नई लड़की थी वो कहती कि मैं आपका काम तो कर दूंगी लेकिन उसके पहले मुझे एक मसाज चाहिए। और ये सुनने के बाद ही जो लुवो था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि भाई वो एक बच्ची थी और बच्ची को वो कैसे मसाज देगी। और फिर वो जो लुवो था वो कहता कि क्या मसाज, और फिर वो लड़की कहती कि हाँ एकदम सही सुना आप, और मुझे एक मसाज ही चाहिए। और फिर लुवो एकदम ऑकवर्ड हो जाता है और तभी वो लड़की कहती है कि क्यों तुम्हारा इतना ज़्यादा कंप्लेन क्यों है, और वैसे भी जब तुम मुझे यूज़ करते थे तब मेरा तो विल नहीं था लेकिन फिर भी आप मुझे यूज़ करते थे, और जब मैं ये मांग रहा हूँ मसाज के लिए तब आप बिल्कुल भी राजी नहीं है। और ये सब सुनने के बाद ही लोग कहते हैं कि हाँ हाँ मतलब मैं हूँ, लेकिन वही बात है ना कि जो लड़का और लड़की है वो लोग को फिज़िकली ज़्यादा क्लोज नहीं आना चाहिए। और वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्डली बोलता है, लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि अच्छा तो अगर ऐसा ही बात है तो तुम मेरे को ये सोच रहे हो कि तुम मेरे साथ अभी वो सब करने वाले हो, तुम्हारे इंटेंशन कितना ज़्यादा गंदे है। और ये सुनकर जो लुओ था वो और ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा जो इंटेंशन है वो एकदम नॉर्मली है, और वैसे भी मैं वैसा पर्वर्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तभी वो जो लुओ था वो कहता है कि और वैसे भी मिस तो आप बताइए आपको कैसा मसाज चाहिए, मैं वैसे ही मसाज कर दूंगा, आपको जापानीज मसाज चाहिए, थाई मसाज चाहिए या फिर चाइनीज मसाज चाहिए। और वो बहुत ही ऑकवर्डली ये सब पूछता है क्योंकि अभी उसको अपना रिजल्ट भी तो देखना था ना भाई। तो उसके बाद वो जो लड़की थी वो कहती है कि ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें जो मर्जी है तुम मुझे वो मसाज कर दे सकते हो, और बस ये ध्यान में रखना कि मुझे को मेरे को अच्छा लगना चाहिए। और लोग कहते हैं कि अच्छा लगना चाहिए, मैंने अपने ज़िंदगी में कभी भी एक मसाज लिया नहीं है इसलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन सा मसाज अच्छा लगता है, और वैसे भी अगर मैंने किसी को मसाज किया था तो वो सिर्फ मेरा ग्रैंडफा और मेरे मम्मी थी, तो मुझे टेक्निक के बारे में तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और लोग एकदम हताश रहता है, और तभी लोग कहता है कि चलो और कोई मतलब चारा भी तो नहीं है, तो वो कहता है कि ठीक है तो मैं जो भी मेरे दिमाग में आएगा मैं रैंडमली ऐसे स्टाइल को चूज़ करता रहूँगा। और उसके बाद वो लड़की ऐसी बिस्तर में लेट जाती है और बस लो अपना काम करना चालू कर देता है, मतलब मसाज करना चालू करता है। भाई क्या गंदे दिमाग वाले क्या सब सुन रहे हो। तो उसके बाद जो लो वो मसाज करता रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है क्योंकि वो जो लड़की थी मुझे हंसी भी आ रहा बोलते हुए, वो जो लड़की थी वो अजीब ही आवाज़ निकाल रही थी, मतलब समझ पा रहे हो ना कैसे आवाज़, वो कह रही कि हाँ हाँ वही वाला स्पॉट उसमें थोड़ा और जोर दो, और वैसे भी वो जो स्पॉट है उसमें बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को इसलिए तुम और भी ज़्यादा कस के करो। और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था और मनी मन सोच रहा था कि ये जो आवाज़ कर रही है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेंज क्यों लग रहा है, मैं क्यों इतना ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। और तभी वो जो लड़की थी वो आराम से एकदम वहाँ पर लेटी हुई थी और वो मनी मन सोच रहा था कि अभी के लिए तो ये जो लड़की है ये एकदम डिफेंसलेस लग रही है तो इसीलिए। और उसके बाद लो एक बहुत ही गंदा वाला स्माइल देता है, नहीं लो ऐसा काम नहीं करने वाला, लो अच्छा बंदा है। तो उसके बाद लो क्या करता है अपना हाथ लेता है और उसके पैर में एकदम जोर से कस के पकड़ता है, जैसे ही कस के पकड़ता है उस लड़की का एकदम हालत खराब हो जाता है, वो एकदम सरप्राइज हो जाता है और वो कहती है कि नहीं नहीं वहाँ पर नहीं, वहाँ पर नहीं, वहाँ पर मत करो, वहाँ पर मत दबाओ। और लो कहते हैं कि नहीं नहीं यही सही है, तुम देखो कितना ज़्यादा तुमको गुदगुदी महसूस होता होगा। और लो कंटिन्यूस दबाते रहता है और कहता है कि देखो ये चाइनीज मसाज स्टाइल है इसलिए थोड़ा इसको मतलब सहन कर लो क्योंकि थोड़ा सहन करने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और वो लड़की एकदम चिल्लाती रहती है कि नहीं नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये गुदगुदी की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद लोग फिर से वही कहता है कि रुको अभी तो बस शुरू हुआ इसलिए थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद होने के बाद बहुत बढ़िया लगेगा। और वो फिर से और ज़्यादा जोर से दबा देता है और कहता है कि थोड़ी देर के लिए सह लो उसके बाद देखो क्या मैजिक होता है। लेकिन वो जो लड़की थी वो एकदम चिल्लाती और कहती कि नहीं मैं हमारे ये कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं इसको और ज़्यादा देर तक नहीं ले सकता। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें एनिमे रिलेटेड कुछ भी खरीदना है लाइक मांगा, मर्चेंडाइज, पोस्टर, तो तुम हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे कुछ कमाल के प्रोडक्ट्स का लिंक दिया गया है तो ज़रूर से चेक करना। तो चलो वीडियो में वापस आते हैं। और उसके बाद लो सोचता है कि हाँ तो अगर ऐसा ही है तो अब तुम बताओ मैं कैसे कर पाऊँगा, और वैसे भी अगर मैं तुम्हें हेल्प नहीं किया तो तुम मुझे जो मेरा कंप्यूटर है वो अपग्रेड करने नहीं दोगे इसलिए मुझे हेल्प तो करना होगा और तुम्हें मसाज भी करना ही होगा। और वो जो लड़की थी वो एकदम बेड के ऊपर गिरी हुई थी और तभी वो कहती है कि तुम मतलब मन ही मन सोचती है कि तुम कितने ज़्यादा घटिया इंसान हो, तुम मेरे साथ ये सब ट्रिक्स प्ले कर रहे हो। और जो लो था वो फिर से दबाता है और वो जो लड़की थी वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, इतना ज़ोर से कि पूरा बिल्डिंग को सुनाई देता है, नहीं नहीं
बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरा पृथ्वी को सुनाई देता कि वो इतना जोर से चिल्लाती है। और उसके बाद ही वो जो लो था वो कहता कि अरे ठीक है मैं और इतना ज़्यादा मसाज नहीं करूँगा, तुम जो कहोगे वही होगा, और वैसे भी इतना ज़ोर से मत चिल्लाओ, नहीं तो अगर नेबर वेबर को समझ में सुनाई दे दिया ये आवाज़ तो वो लोग कुछ और ही सोचेंगे, मतलब हाँ वही सोचेंगे जो अभी हम सोच रहे हैं। बट एनीवेज वो जो लड़की थी वो एकदम ऑकवर्ड बेड के ऊपर पड़ी हुई थी और वो कहती कि मैं इससे अच्छा और तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रही थी, और अगर तुम इतना अच्छा शुरुआत में ही हो जाते, इतना ओबीडियंट शुरुआत में ही हो जाते तो कितना बेहतर होता। और उसके बाद लोग कहते हैं कि हाँ माई अपोलॉजीज, मैं मेरा ही गलती था और माफ़ कर दो उसके लिए। और लुओ मन ही मन सोचता है कि इसको सर्व करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और फिर लुओ एकदम अपने कंप्यूटर के सामने आके बैठ जाता है और कहता है कि चलो अब वो जो लड़की थी वो कहती है कि अब तुम अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो और तुम अपने कीबोर्ड को कंट्रोल करो। और फिर लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा ही करूँगा। और फिर वो लड़की कहती है कि और अगर तुम्हें माउस का कोई काम है तो मेरे सर के ऊपर हाथ रखना और मेरे सर को एज अ माउस यूज़ करना और उसको ऐसे हिला के उसको कंट्रोल करना। और फिर लुओ उसके सर के ऊपर हाथ देता है और वो जो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होता है बढ़ते हुए। उसके बाद लुओ उसका सर को पकड़ के ऐसे हिलाने लगता है अपना काम करने के लिए। और फिर लुओ जितना भी अपना डिटेल्स रहता है सब कुछ फिल कर देता है। और फिल करने के बाद वो मन ही मन सोचता है कि भगवान प्लीज़ मुझे ये जो ईयर है ये पास करा दो, मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं इसको और एक बार रिपीट तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और फिर लुओ सर्च बटन पर क्लिक कर देता है और जैसे ही लुओ सर्च क्लिक करता है एकदम वो चिल्ला उठता है, पूरा उसका फ्लैट पूरा सुन लेता है कि वो इतना जोर से चिल्लाता है। और वो एकदम खुशी के मारे चिल्लाता है और कहता है कि यस मैं एक किंग हूँ, मैं पास हो गया और अभी मम्मी को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना होगा कि मैं फिर से रिपीट करूँगा। और ये सब देखने के बाद वो लड़की कहती है कि किंग ये किंग है, मतलब वो बेयरली पास हुआ है, वो कुछ नंबर के लिए ही पास हुआ है और वो अपने आप को किंग कह रहा है, मतलब पता नहीं कि ऐसे लोग को सर्व करना कितना ज़्यादा दिक्कत आता है। और उसी तरफ जो लो था वो तो आराम से चिल्लाया ही जा रहा था। तो गाइज तुमको क्या लगता है कि आगे जो एपिसोड आने वाला है उसमें क्या होने वाला है? और वैसे भी चलो एक इंटरेक्टिव क्विज करते हैं, तो अगर तुम्हारे ख्याल से एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक बहुत ही कमाल का जेंटलमैन बनना होगा तो तुम्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, अपने जो क्यूट बेब है उसको एक मसाज देना होगा। ऑप्शन बी, तुम्हें एक ग्रेट जेंटलमैन बनना होगा और सबको टी सर्व करना होगा और दूसरे जेंटलमैन को भी टी सर्व करना होगा। और ऑप्शन सी, तुमको एक क्यूट बियर ब्रदर बनना होगा और दूसरे बियर ब्रदर के साथ हैंग आउट करना होगा। देखो ये मैं नहीं कह रहा, ये मानवा ही कह रहा है, तो पता नहीं मुझे तो आंसर नहीं पता, तो अगर तुम्हें आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना, ABC या फिर ऐसे कोई कमेंट कर देना। तो मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में किसी अगले चैप्टर को लेके, तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर तुमको ये रोमांटिक उतना पसंद नहीं आता और अगर तुमको फाइटिंग वाला सीन देखना है जहाँ पे एकदम लड़ाई वड़ाई हो रहा है तो राइजिंग ऑफ द शील्ड को जरूर से चेक करना, ट्रस्ट मी कमाल का है, मतलब तुम प्यार में पड़ जाओगे भाई, लिटरली प्यार में पड़ जाओगे। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी अभी एक रिसेंट पोस्ट किया है रिलेटेड टू अ न्यू एनीमे है, तो उसको जरूर से चेकआउट कर लेना और अपना जो ओपिनियन है ओपिनियन भी वहाँ पर डाल देना। और वो एनीमे और कुछ नहीं बल्कि वन वीक फ्रेंड के रिलेटेड है। तो मिलते किसी और एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।